असल में तो ऐसे अवतार या ऐसे संत जो हमें जीवन में दिखाई पड़ते हैं, चरित्र करते हैं, वो आगे आती हुई जनरेशन और उस समय चलती हुई जनरेशन को ऐसा जीना है यूं कहने के लिए। कृष्ण का इंसिडेंट हम सब सुनते हैं कि सुदामा वो तांदूल लेके गए, कृष्ण ने ले लिए, प्रेम से लिए, और उसके फल स्वरूप देखा तो वहां सुदामा की सारी निर्धनता कंगालियत खत्म हो गई थी और वो खूब संपत्तिशाली हो गया। मैं कहता हूं कृष्ण ने ये जो चरित्र कराया हुआ वो संतों को एक शिक्षा देने के लिए कराया, सेवकों से हरिभक्तों से सेवा लेने का आपका अधिकार तभी है यदि आप मेरी तरह ऐसे प्रारब्ध को या प्रकृति को बदल सकने की ताकत रख सकते हो। हम कई बार बात करते हैं कि भक्तों के पास से हरिभक्तों के पास से सेवा तीन ही प्रकार से ले सकते हैं, या तो हम दावे से कह रहे हैं कि आपकी सेवा लेके मैं तुम्हारा ये प्रारब्ध टाल सकता हूँ, तुम्हारी प्रकृति का परिवर्तन कर सकता हूँ, मुझे हक है वो सेवा लेने, या आप अपने आप कुछ प्रेम से दे जाते हो और वो भी एक इंटीमेसी से, तो आपके मेरे साधु के साथ आपका एक संबंध बना रहे जिससे कि आपका एक संबंध प्रभु के साथ आगे लिंक होता जाए, उस कारण तुम सेवा ले सकते, बाकी सेवा लेने का हक ही नहीं। अगर ये दोनों चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए कि अगर कोई चीज की भी जरूरत है तो काका जी को या स्वामी जी को या पप्पा जी को कह दो, बोला दें, वरना ऐसे भक्तों से ली हुई सेवा हमारे पे वो प्रारब्ध हावी कर देगी, हमें पता भी नहीं लगेगा, भोगना पड़ता है।